फ्री की लॉलीपॉप दिखाकर आप जनता को नहीं बगाड़ सकते। मुझे लग रहा है सुंदरकांड करने जा रहे हैं, लेकिन उनका सुंदरकांड तिहाड़ जेल में होगा। केजरीवाल मूर्ख बना रहे हैं, सभी को मूर्ख बना रहे हैं। शराब का डोरा अपनी माँ का अपने छाती पे हाथ रख के कहते मैं शराब का घोटाला नहीं किया। लेस हौच खास जीके वन मैं बता देता हूँ सर, मैं दे रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, उन्होंने चार गुना बिजली कर दिया, चार गुना फोर टाइम। अब 200 रुपए का बिजली मैं 800 रुपए पे कर रहा हूँ। हमारे देश का बिजली जब मैं बाहर से ले रहा हूँ, अब कैसे बिजली फ्री को दे रहे हो बताओ। मैं इनसे लेके मैं रोटी खा रहा हूँ और मैं इनको दे रहा हूँ। अरे ये ताजुब लग रहा है मुझे। जो सुंदरकांड करवाने जा रहे हैं उसके पहले उनके मंत्रियों ने उनकी मिली भगत से जो कांड किए हैं ना, उसका तो जवाब ईडी को दे दे। लोकपाल लाएंगे, स्वराज चाहिए, इनकी कट्टर ईमानदारी दारू में बह गई। पैसा दिया, कैश दिया, उसी टाइम दूसरा दिन बोला बिना जी ये पकड़ो। और कहाँ होटल बताना, मैं आऊंगा मिलने के लिए आपसे। ये केजरीवाल का स्टेटमेंट है, केजरीवाल ने करवाया है। केजरीवाल जी ने बोला है कि अब से हर मंगलवार को सुंदरकांड करेंगे वो अपने विधानसभा में। यहाँ क्या लगता है इस पे आपको? देखो, केजरीवाल पे बोलने के लिए अपने आप में मैं शब्द ढूंढता हूँ जैसे ईडी उनको ढूंढती है। सुंदरकांड अच्छी बात है, जन जागृति फैलाएंगे, सनातनी को जागरूक करेंगे, लेकिन जो सुंदरकांड करवाने जा रहे हैं उसके पहले उनके मंत्रियों ने उनकी मिली भगत से जो कांड किए हैं ना, उसका तो जवाब ईडी को दे दे। चौथा समन आपको पता है हुआ है? हाँ, ये इस 3 तारीख को था, 26 दिसंबर का था। तो जो चौथा समन आ गया है उसमें एक एक्ट होता है पीएमएलए के एक्ट के तहत ईडी उनको गिरफ्तार करने वाली। अभी उनका क्लाइमेक्स आ गया है और उनको अभी मुझे लग रहा है सुंदरकांड करने जा रहे हैं, लेकिन उनका सुंदरकांड तिहाड़ जेल में होगा। अच्छा। वो पक्का है, अकेले और कोई कैदियों के साथ। इससे बाद में ये जो शराब घोटाले में मुख्यमंत्री का पद तो इसके पास है ही नहीं है। हाँ। ना इसके पास कोई पद, मेरे को गिनती करके दिखा दे केजरीवाल कौन सा पद इसने लिया है। हाँ। घर के मेंबर भी अगर माँ बाप के पास, बाप के पास पद ना हो। हाँ। वो भी घर से बाहर कर देते हैं। हाँ। ये तो जनता है यार, जनता पता नहीं उसको मुख्यमंत्री क्या मर्जी। इससे तो वो सोडिया है। हाँ। जो जेल में फंसा हुआ मुख्यमंत्री तो वो होना चाहिए। क्यों? वो सोडिया ने सारी चीजें दबा रखी है, सारी फाइल उसके पास है, सारा काम उसके पास है, जैन के पास है। ये इस पागल को करोड़ों रुपए इसको दे रहे हैं, इसको केजरीवाल को किस लिए दे रहे हैं भाई? उसको मुख्यमंत्री का पद नहीं, लाओ पैसा मुझे दे दो। भगवान सिंह की कुर्सी है वो, पंजाब की कुर्सी उसको साथ लेके घूमता है वो, वहाँ राज कौन करेगा ये मेरे को पूछ लो। वो क्या काम करवा रहा है? सिर्फ ये कभी कोर्ट में वहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया, कभी जम्मू कश्मीर घूम रहे, कभी दिल्ली आ गए। उसका काम जब से सरकार बनी है पंजाब में तो केसरी मनमोहन भगवंत मान सिर्फ इसी के पीछे लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? और दूसरी चीज़, वो टीवी में सारा दिन आता है, एक रुपए का काम वो भी नहीं करते। सारा दिन वो पंजाब कर्जे में डूबा हुआ है। ये हम तो सुविधा दे रहे हैं, लोगों को फ्री कर रहे हैं, बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दी, बिजली फ्री। उन्होंने वो तो सिर्फ 4 मेंबर ले आके मैं खड़े कर देता हूँ भाई। आपको पता है कि बिजली इन्होंने फ्री नहीं किया है, सिर्फ दिल्ली में रूलर सर दिल्ली में रूलर एरिया जो है ना, गाँव जो ये आसपास का कॉलोनी है उनका किया है। ये कनॉट पैलेस हौच खास जीके वन मैं बता देता हूँ सर, मैं दे रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, उन्होंने चार गुना बिजली कर दिया, चार गुना फोर टाइम। अब 200 रुपए का बिजली मैं 800 रुपए पे कर रहा हूँ, यही पे मेरा होटल यही रहा। अब 20 लोगों से इन्होंने 200 रुपए कम कर दिया। और हमारे से भी चांदी चौक, दिल्ली, कनॉट प्लेस, हौचकाज और एम्स, इनके जितने भी जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं पैसा दिल्ली को, उनके चार गुना पैसे ले रहे हैं। अच्छा। उन्होंने बराबर कर दिया ना, बराबर नहीं, उनसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं इलेक्ट्रिक बिल, हमसे ज्यादा ले रहे हैं, इनसे ज्यादा ले रहे हैं। केजरीवाल मूर्ख बना रहे हैं, सभी को मूर्ख बना रहे हैं। सर वो कैसे सीएम बन गए, मुझे ताजुब लग रहा है। वो अन्ना की भाई पब्लिक मूर्ख है, बनेगी और मूर्ख बनती रहेगी। क्यों? 100 यूनिट उसने कहा था, अगर 1 यूनिट आ जाए आपका तो फिर बिल पूरा। सुनो, 1 यूनिट आ गया पानी का बिल, 1 यूनिट लीटर आ गया फालतू, तुम्हारा बिल पूरा है। उसमें क्या फ्री हो गया? गन्ने के छिलके फेंक दिए, बस में फ्री कर दिया। अबे करना तो 60 साल के आदमी को करता। अबे मौलवियों को तू 25-30 हजार रुपए दे रहा है और तुम मंदिर के और उनको मंदिरों कुछ नहीं दे रहा। ये क्या राजनीति कर रहा है ये? आपको जब पता है कि हमारे देश का बिजली जब मैं बाहर से ले रहा हूँ, अब कैसे बिजली फ्री को दे रहे हो बताओ। मैं इनसे लेके मैं रोटी खा रहा हूँ और मैं इनको दे रहा हूँ। अरे ये ताजुब लग रहा है मुझे, जो बिजली बाहर से मांगा गया, आप माल मांग रहे हो अपनी जेब से। एक रुपए की एक दिन रोटी खिला दे ना, औकात नहीं है। नहीं, एक दिन रोटी खिला दे उसके हम गुलाम बन जाएंगे। नहीं, उनकी गुलाम बन जाएंगे साला। एक दिन रोटी खिला दे किसी को और मूर्ख बना रखा पब्लिक को। और ये
सारा दिन वो भागता फिर रहा वोटों के चक्कर में। वो जेल कभी जाएगा। अच्छा। मैं बताता हूँ इलेक्शन से पहले जेल जाएगा वो। मैं सबसे ईमानदार आदमी हूँ। बहुत बेईमान आदमी है। ईमानदार कहाँ से आ गया? शराब का घोटाला अपनी माँ का अपने छाती पे हाथ रख के कहते मैं शराब का घोटाला नहीं किया। बिल्कुल क्या मैंने नहीं ठेके खोले, इतने ठेके खोले 80-80 लाख करोड़ के ठेके थे। कई करोड़ का चढ़ावा लिया है सचिवालय, दिल्ली सचिवालय में सबसे पैसा लिया है उसने, सबसे पैसा लिया है। सर बोलना नहीं चाहिए, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट बनाने गया। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, किसी कहने ने एक महीने से मैं दौड़ रहा था सचिवालय। गार्ड बोला क्यों आ रहे हो? हमने पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट बनाना है। बोला बात किए हो? हमने नहीं। बोला बात कर लो। कौन है? केजरीवाल के जो पीए हैं, नाम नहीं बताऊंगा आप जान गए होंगे। बोले अभी यहाँ बात मतलब बाथरूम में चलो, बाथरूम में मुझे ले गया। बोला अविनाश जी इतना पैसा लेके आना तुम्हारा कल। बोला पहले गार्ड बनेगा, ये बनेगा, सदस्य बनेंगे तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पैसा दिया, कैश दिया। दूसरा दिन बोला अविनाश जी ये पकड़ो। और कहाँ होटल बताना, मैं आऊँगा मिलने के लिए आपसे। ये केजरीवाल का स्टेटमेंट, केजरीवाल ने करवाया है। बोला अविनाश जी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, केजरीवाल ने पैसा लिया है। सब में सब कमेटी बुलाया थे मेरे से हुआ है। जब हम एक छोटा सा बिजनेसमैन जब हमसे पैसा ले सकते हैं तो दिल्ली में इतने करोड़ों का अरबों का कंपनी खुल रही है। रोज का पैसा चढ़ावा है वहाँ, रोज का केजरीवाल रोज का पैसा। बार बार आगे से जा रहे हैं पावर में, इतना घपला कर रहे हैं तो क्या लग रहा है? लोगों को पता नहीं है ना। हम आए हर मुफलर से हर, देखो सर केजरीवाल ने सिर्फ मूर्ख बनाया लोगों को। सिर्फ वो बोलता मैं IRS था, मैंने कभी घूस नहीं लिया। मैं और भी लोगों को जानता हूँ जो GK1 में नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने ऑफिस में जाके मेरे सामने उन्होंने घुस दिया है केजरीवाल को। चलो यार, तो केजरीवाल जी जो सुंदरकांड कर रहे हैं तो उससे असर नहीं पड़ा क्या कुछ? अब क्या पता आप लोग जुड़ जाए। क्यों नहीं पड़ रहा? सारे उनके सारे विधायक MLA जेल में है, सारे उनके जेल में है। और वो उन्हीं का स्टेटमेंट है केजरीवाल को कि इन्होंने मेरे से काम करवाया है, उन्हीं का स्टेटमेंट है सारा। केजरीवाल की वंदना कुमारी हमारे यहाँ के विधायक है, वो लाख बंदे रुपए के आदमी नहीं थे, आज 500 करोड़ का मालिक बन के घूम रहा है। वो कहाँ से आया पैसे? पब्लिक की चुतिया बनाया। कितनी होती है? 1.5 लाख होगी ना, 1.5 लाख × 5 लाख कर लो चाहे 10 साल कर लो। जब ये भर्ती हुआ था 58,000 की सैलरी थी, 58,000 से इसकी 4 लाख रुपए इस टाइम हुई है सैलरी। हाँ सबकी, ये नहीं सारे मुख्यमंत्री जितने हैं हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री की, इसने खुद 4 लाख रुपए बढ़ा दिया। क्यों? दिल्ली को झीलों का शहर बना, शहर बन गया, घोटाला है बन गया, जीरो बना दिया उन्होंने। सर साल का 50 लाख हुआ ना, 4 के हिसाब से 50 लाख हुआ, ठीक है? ये 50 लाख नहीं, 500 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, 500 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं महीने का कमा रहे हैं ये। देखो कोई तप करता है ना, हाँ। तो भगवान उनको शस्त्र या ब्रह्मास्त्र देता है, हाँ। केजरीवाल को शस्त्र ब्रह्मास्त्र दिया, उसका यूज किया दिल्ली की जनता पे और इन जैसे लोगों पे पैसे अटने के लिए, और उनके मंत्रियों को अच्छे अच्छे मंत्रियों को दरकिनार करने के। जैसे मैं डायरेक्ट कैमरा पे बोल रहा हूँ, मैंने पैसा दिया है और उन्होंने एक नंबर का चोर है केजरीवाल, एक नंबर का चोर है। अच्छा यहीं पे एक बात उठ रही है, राहुल गांधी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके जो पार्टी के बड़े बड़े नेता है वो उनकी पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, क्या लगता है इस पे आपको? छोड़ते जा रहे हैं, इनके बयान सही नहीं है, तो ये आपस में लड़ रहे हैं जैसे कुत्ता और बिल्ली लड़ती है, इसलिए लड़ रहे हैं। इसलिए क्या हुआ? नीतीश कुमार कहेगा मैं कुर्सी लूंगा, वो कहेगा मैं रहूंगा। अब बैनर्जी या बंगाल में क्या हुआ? उनके सर फाड़ दिए, ईडी गई थी सिर फाड़ा, लेकिन इन्होंने क्या किया? लेकिन कुछ नहीं किया। ये भूत बन के यूँ खड़ी रही, कहती जो जाएगा तो मरेगा, बिल्कुल कहती है। बंगाल में क्यों? बंगाल में घर घर बम बनते हैं, घर घर झुकी झुकी में बम बनते हैं, हर चीज़ वो है। 35 साल से वो क्यों मुख्यमंत्री है? 5 साल के बाद में मुख्यमंत्री बदल जाता है, ये क्यों 35 साल से उस वहाँ कर रही है? रेल मंत्री बनी, उसमें मैं घोटाले हुए, हर चीज़ में घोटाला हुआ। ये चोर है पक्की, हाँ बिल्कुल। सोनिया गांधी तो राम मंदिर जाने से मना कर दिया, लेकिन यूपी के जो INC के नेता थे वो चल गए। उसकी इसलिए नहीं कहना चाहता, वो दूसरे धर्म को मानती है। अच्छा। इसलिए वो क्रिश्चियन धर्म को मानती है। मैं उसको क्यों इटली में क्रिश्चियन धर्म है क्यों? इन्होंने घोटाला किया तोप सौदे का, जो 62 करोड़ रुपए अपने पापा के पास ले गई है। ये जितने बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, ये तोप घोटाला जो लेके गई, पैसा लेके गई है। और लेकिन हिंदुस्तान की राजीव गांधी को उसको जमीन मिली थी, बाकी इंदिरा गांधी ने सारा पैसा हिंदुस्तान का होटल बनाने के लिए लगा दिया। क्यों? अब वो चोरी का पैसा था, वो जब छापा पड़ता था वो अपने ड्राइवरों के पास फेंक देती थी नोट। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी राजनीति के लिए कर रहे हैं राम मंदिर, इसलिए मैं नहीं जा रही। बस नहीं जा मत जाओ, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे एक नहीं जाएगा। आपका क्या नाम था उसका? नहीं,
नीतीश कुमार नहीं नहीं यार अभी वो शंकराचार्य खुद से कोई हमारे सिखों में किसी को भी गुरु अपने आप को गुरु नहीं मानते, हम ग्रंथ को गुरु मानते हैं, जो किताब पर जो असली रास्ता दिखाती है वो किताब को मानते हैं। ये गुरु खुद बनना चाहते हैं, ये गुरु क्या, ये कांग्रेस की पार्टी के साथ में है शंकराचार्य, ये उसको पहले खंडित कर रहे थे, अब कह रहा मैं आना चाहता हूँ, मेरी तरफ से ये सलूशन है, चाहे वो आए चाहे ना आए, मंदिर का फैसला रुक नहीं सकता, एक आदमी ना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, शंकराचार्य ना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों आप मकान बनाते हो, मकान बनाने के बाद में आप फटाफट उद्घाटन करते हो, फटाफट बैठ जाते हो, ये तो करोड़ों साल का पुराना मंदिर है जिसने बाबर को, बाबर ने तोड़ के इसको बनाया, हिंदुओं ने कांग्रेस पार्टी ने वकील खड़े करके सब कुछ किया, 84 दंगे करवाए, तब भी इन्होंने बहुत कुछ किया, सब जानते हैं लोग, कह रहे कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा गलत है, ये आधे अधूरे मंदिर में कर रहे हैं। अब आप मकान बनाते हो तो आप आधा बनाते हो, पूरा 200 गज का प्लाट है, एक कमरा बना लिया आपने, फटाफट उद्घाटन किया और आप उसमें बैठ गए, बाकी तो आपका पूरा नहीं हुआ ना, आप उसमें उद्घाटन पार्टी दे के आपने बैठ गए, अब वही चीज यहाँ है, उसमें कोई उद्घाटन वो नहीं है, मंदिर पूरा बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप शंकराचार्य के? सही कह रहे हैं सर, उनकी सहमत हूँ मैं इनकी बातों। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा गलत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये गलत कह रहे हैं? ये बिल्कुल बेवकूफ है, ये कांग्रेस का साथ दे रहे हैं बिल्कुल, असला 40 आज से नहीं है, ये 35 साल से जब से पैदा हुआ जब से उसके साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, ये सब पब्लिक को मूर्ख बना रहा है, ये भी शंकराचार्य अभी। अच्छा, राघव चड्ढा जी ने बोला है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त हैं, क्या लगता है कहाँ से पैदा हो गए भक्त, उसके पैरों की मिट्टी के बराबर नहीं है। हाँ। अरे वो क्या चीज है, तुम क्या चीज हो, चोरों को मुख्यमंत्री वो बनाएगा भक्त अपना? हाँ। क्या बनाएगा यार, कोई भी काम करता तो पहले बजरंग बली का आशीर्वाद लेते। अरे बजरंग बली सारे लेते हैं, कौन सा ऐसा आदमी नहीं है जो पैदा हुआ वो भी बजरंग बली का नाम लेता है। अच्छा। जन्म लेते ही सबको उसी के टाइम डॉक्टर भी लेते हैं, सब चीज लेते हैं। पवन पुत्र के भक्त बनना ना। हाँ। तो उनका जो पवन फैला हुआ है ना अभी हवा। हाँ। उनके अगेंस्ट में वो थोड़ा हवा चेंज करनी पड़ेगी। केजरीवाल तो अपना स्टेटमेंट और बयानबाजी बदलने में इतने माहिर है, अगर उसमें कुछ पदक सदक की व्यवस्था होती तो किसी को जीतने नहीं देते भाई, इतने शातिर इंसान है। अच्छा। और बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ जब से शीला दीक्षित संसार छोड़ के चली गई, उसने जो कुछ किया ठीक किया, लेकिन अब ये उसी चीजों को इस्तेमाल कर रहा है। वो कहता है वो कुछ नहीं किया, इसने कौन सी मशीनरी खरीद ली मुझे बताओ, पंप वही है, ट्रक वही है, वो सारी चीजें वही है, उन्हें कैलकुलेटर उसमें, आज तक इन्होंने पेड़ों पे कभी बारिश का पानी नहीं किया, एक पानी घर घर के तो पीने को नहीं मिल रहा, वो पेड़ों पे पानी तो मार नहीं सकता, मिट्टी पे पानी मार रहा, जमीन पे गाड़ी भेज रहा है और मिट्टी डाल, सफाई साली हो नहीं रही। तो क्या इस बार के चुनाव में केजरीवाल जीत पाएंगे जो सुंदरकांड करें मत करेगा? ये तो जनता जानती है, मैं नहीं कह सकता, ये जनता के ऊपर डिपेंड है, तुमने फ्री की रोटी खानी है, फ्री का होटल खुलवाना है केजरीवाल से तो वोट दे दो, मुझे कोई चिंता नहीं, वोट फ्री की रोटी खानी, फ्री का कूड़ा करकट अपने घर में डलवाना है तो उसको वोट दे दो, नहीं तो इसको वोट बिल्कुल मत दो। जब केजरीवाल जी सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं उस पर क्या विचार है? देखिए मैं आम आदमी पार्टी कहना चाहता हूँ, ये पहले कहते थे लोकपाल लाएंगे स्वराज चाहिए, इनकी कट्टर ईमानदारी दारू में बह गई, आम तो हो गए खास, ये टोपी आम आदमी रह गई, आम खास लोग हो गए हैं और टोपी आम आदमी हो गई है, फ्री की लॉलीपॉप दिखाकर अब जनता को नहीं बगल सकते, इनकी निश्चित हार होनी है, हार होनी है, हार होनी है। अच्छा। राम ये जो सुंदरकांड है कुछ असर नहीं करेगा इनके चुनाव में जीतने? ये राजनीति स्टंट है यार। अच्छा। राम भक्त होते तो पहले करते है ना भाई, वो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं लोग, जनता इसको सब समझ रही है, इन्हें कोई भला नहीं हो पाएगा।